हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का हमारे बिल्कुल न्यू वीडियो एपिसोड में। तो जैसा कि हमने आप सभी से कहा था कि हम आपके लिए लाने वाले हैं वीडियो ऑन द टॉपिक नो योर पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट। सो फाइनली आज हम इसी वीडियो टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एनरोल्ड हैं और ये जानना चाहते हैं कि कौन आपका प्रोस्पेक्ट होता है और कौन आपका प्रोस्पेक्ट नहीं होता है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम हर एक वीडियो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में लेकर आ रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को राइट एजुकेशन मिल सके। अगर आप ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, YouTube पर सर्च करिए Tegonity Academy, जो हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल है। Tegonity Academy YouTube चैनल पर आप नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस को इंग्लिश लैंग्वेज में देख पाएंगे। और सेकेंड ऑप्शन, जो कि बहुत ज्यादा आसान है, वो ये कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के इंग्लिश वर्जन का लिंक मिल जाएगा, तो उस लिंक से भी आप डायरेक्टली इंग्लिश वर्जन वीडियोस को देख सकते हैं। अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कहते हैं 130 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया की, जो कि एक्चुअली अभी 139 करोड़ क्रॉस कर गई है और बहुत जल्दी ये 140 करोड़ भी होने वाली है। इसीलिए लोगों की कमी नहीं है हमारे देश में, हर कोई हमारा प्रोस्पेक्ट है। बट क्या आपको सही में लगता है कि हर कोई आपका प्रोस्पेक्ट है? देखिए, जैसे हर कोई डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर या टीचर नहीं बन सकता, बिल्कुल उसी तरह से हर कोई नेटवर्क मार्केटर भी नहीं बन सकता। और क्यों नहीं बन सकता, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि उनका इंटरेस्ट ही ना हो नेटवर्कर बनने का, या फिर उनके कुछ और सपने हो, या फिर उनके कुछ और डिजायर्स हो, वगैरह वगैरह। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को सच में इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छा एक ऐसा फॉर्मूला मिलने वाला है अब इस वीडियो से। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपको दो तरह के लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती है। फर्स्ट इज कस्टमर एंड सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूटर। अब काफी लोग इन दोनों ही चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। एक कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की कोशिश करते हैं और एट द एंड वो कस्टमर भी आपका खराब हो जाता है। इसीलिए आपको उनकी सही तरह से पहचान करनी होगी और उन्हें सही तरह से एंटरटेन भी करना होगा। पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है कि कौन आपका टारगेट कस्टमर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर है। इसीलिए पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहली है नो योर पोटेंशियल कस्टमर और सेकेंड है नो योर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नो योर पोटेंशियल कस्टमर के बारे में, यानी आपका टारगेट कस्टमर कौन है। मोस्ट ऑफ द बिगनर्स यही मिस्टेक करते हैं कि वो हर किसी को अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने की कोशिश करते हैं। बेशक वो प्रोडक्ट उनके मतलब का हो या फिर नहीं हो, उस चीज से उन्हें बिल्कुल मतलब नहीं होता और इसी वजह से उनको बहुत सारे रिजेक्शंस मिलते हैं। और फिर उनको लगता है कि हम इनपुट तो बहुत ज्यादा डाल रहे हैं लेकिन आउटपुट हमें बहुत कम मिल रहा है। सो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। हर कोई आपका कस्टमर नहीं होता है, इसीलिए आपको सबसे पहले अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कंपनी आपकी किस तरीके के प्रोडक्ट्स के साथ डील कर रही है। मान लेते हैं आपकी कंपनी एक वेलनेस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो आपको क्या लगता है कि उन प्रोडक्ट्स को कौन बाय कर सकता है, किन लोगों के इस्तेमाल में वो प्रोडक्ट आ सकता है? तो चलिए ये भी जान लेते हैं। वेलनेस प्रोडक्ट्स यानी हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, आपने देखा होगा हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कि हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, और जब आप उनके पास अपने वेलनेस प्रोडक्ट्स लेकर जाएंगे तो वो उनके लिए यूजलेस ही होंगे। इसीलिए आपको अपने प्रोडक्ट्स को उन लोगों तक पहुंचाने की जरूरत होती है जो कि अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं, जो कि हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, मेडिसिन और सप्लीमेंट्स के बीच में फर्क समझते हैं, जिनको ये मालूम है कि सप्लीमेंट्स क्यों जरूरी है। जब आप उन कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स रिकमेंड करेंगे तो आपको उन प्रोडक्ट्स की इंपॉर्टेंस बताने की जरूरत नहीं होगी उन्हें, और आपके कम इनपुट्स के अंदर आपको एफिशिएंट आउटपुट भी आने लगेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आपकी कंपनी होम केयर प्रोडक्ट्स में डील करती है, लाइक किचन प्रोडक्ट्स या फिर होम क्लीनिंग एटसेट्रा, या जिस भी तरह के प्रोडक्ट रेंज आपकी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, आपको उसी तरह के कस्टमर्स को टच करना होगा और वो कस्टमर्स ही आपके पोटेंशियल कस्टमर्स कहलाएंगे। आसान भाषा में अगर मैं एक और एग्जांपल लेकर इसे समझाऊं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ सकता है। मान लीजिए कोई कंपनी है जो कैमरास को मैन्युफैक्चर करती है, तो उनकी टारगेट ऑडियंस कौन होगी? सोचिए सोचिए।
चलिए मैं बताती हूँ। कैमरा मैन्युफैक्चरर की टारगेट ऑडियंस होगी वो लोग जो कि फोटोग्राफर्स हैं, वीडियोग्राफर्स हैं, वीडियो प्रोडक्शन कंपनी चलाते हैं जैसे कि हम, या फिर जो लोग यूट्यूबर्स हैं, या फिर जिनको व्लॉगिंग पसंद है। सो अब कैमरा मैन्युफैक्चरर कंपनी चाहे प्रमोशन ऑनलाइन करे या फिर ऑफलाइन, वो अपने प्रोडक्ट्स सिर्फ इन्हीं लोगों को ही सेल करेगी। और वहीं कोई इंसान जो 9 to 5 की जॉब कर रहा है और जिसको अपनी जॉब के अलावा और कोई काम ही नहीं है, अगर कैमरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसे बोले और उसे अप्रोच करे कि ये है हमारा न्यू कैमरा, इसमें ये और वो फीचर्स हैं, तो आप इसे ले लीजिए, तो क्या वो उसे लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी वो जरूरत ही नहीं है। और यही सेम कॉन्सेप्ट आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी फॉलो करना होता है। नाउ मूव करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पर, जो कि है नो योर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर। क्या आपको पता है एक कस्टमर आपका डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है, लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूटर कभी भी आपका कस्टमर नहीं बन सकता। इसीलिए हमको अपनी एनर्जीज को सही डायरेक्शन में ही यूज करना है। क्या आप जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए सिर्फ सपनों की जरूरत नहीं होती है, सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आपके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने की डेडिकेशन भी होनी चाहिए, और वो डेडिकेशन हर किसी के पास नहीं होती है। और यही वो रीजन है कि मोस्टली नेटवर्कर्स को अपना बिजनेस ग्रो करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमने अपनी पुरानी बहुत सारी वीडियोस में बार बार कहा है कि अपने लेवल 1 को किसी के लेवल 20 से कंपेयर बिल्कुल मत कीजिए। उसकी जगह उनसे सीखिए कि कैसे वो इस लेवल पर पहुंचे हैं और कैसे वो आपको हेल्प कर सकते हैं उस लेवल तक पहुंचाने के लिए। सो अपने पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे ढूंढना है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको उन लोगों को ढूंढना है अपनी लिस्ट के अंदर जो ऑलरेडी सेल्स की फील्ड से हो या फिर उन्हें सेल्स का कुछ एक्सपीरियंस हो। अब ऐसे लोगों को आपको इसीलिए भी ढूंढना है क्योंकि वो लोग सोशल फ्रेंडली होते हैं और उन्हें रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत अच्छी तरीके से करनी आती है, इसीलिए उनके साथ आपको ज्यादा समय नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप किसी फ्रेशर को मौका ना दें, क्योंकि किसी भी फ्रेशर को अगर आप तरीके से सिखाएंगे तो आप उन्हें भी एक्सपर्ट बना सकते हैं। जब आपको वो लोग मिल जाएं जिनके साथ आप बहुत ज्यादा समय बिता सकते हैं, उनके साथ टाइम लगाकर आप उन्हें सिखा सकते हैं, तो उसके बाद आपको जरूरत है उनके सपनों के बारे में जानने की। आप उनसे ये पूछिए कि आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, क्या आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। अगर ये दोनों ही चीजें आपको पता लग जाती हैं तो आपका काफी हद तक समय भी बचेगा और आपके लिए आसान हो जाएगा उनके साथ बिजनेस को करना। अगर आप ये दोनों स्टेप्स को खुद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो आप मेजर ब्रेन ईबुक की हेल्प ले सकते हैं अपने पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स का पता लगाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे? देखिए, ऐसा है कि इस ईबुक के अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर्स आपको बहुत ज्यादा समझदारी से देने हैं, और कुछ बेसिक स्टेप्स को फॉलो करना है, और उन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपको कुछ ऐसे सरप्राइजिंग रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सरप्राइजिंग रिजल्ट्स इसीलिए क्योंकि वो आंसर्स आपके माइंडसेट के लेवल को आपके सामने रख देंगे, और सेम यही टेस्ट आप किसी भी व्यक्ति के साथ कर सकते हैं, जिससे सामने वाले के माइंडसेट लेवल का आपको पता लग जाएगा और आप बहुत समझदारी से उन्हें अपने पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर या फिर पोटेंशियल कस्टमर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इन शॉर्ट, इस ईबुक की हेल्प से आप बहुत कम टाइम में ये पता लगा पाएंगे कि किसको आपको अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है और किसको अपना कस्टमर। काफी नेटवर्कर्स एक सेल्समैन से लेकर एक सीईओ तक को अपना प्रोस्पेक्ट मान लेते हैं, जबकि ये सही नहीं होता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि 10 में से कोई एक आपके साथ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन कर ले, लेकिन 9 पर तो आपके टाइम और एफर्ट्स दोनों ही वेस्ट हो जाएंगे। इसीलिए हमने ये वीडियो आपके लिए स्पेशली बनाई है ताकि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को और ज्यादा इंक्रीज कर पाएं। और हाँ, इन द एंड हमारा आप सभी के लिए एक सजेशन है, अगर आप सभी चाहें तो हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हैं। जो भी आप यूज करते हो, लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सभी पर आपको कुछ ना कुछ न्यू अपडेट्स हमेशा मिलती रहेंगी। हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और हाँ, इन्हें ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है, तो देर मत कीजिएगा। और इसी के साथ अगर आपके कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आप हमसे जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे वो सवाल पूछ सकते हैं।
और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक करते हुए वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर कीजिए, और खास तौर पर उन लोगों के साथ तो जरूर वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आप अपनी नेटवर्क मार्केटिंग में टीम को और ज्यादा बड़ा करना चाहते हैं। तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक बिल्कुल नए वीडियो टॉपिक में एक बिल्कुल नए एपिसोड के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी टैप कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegunity.com। जल्द हम मिलते हैं एक इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। टिल देन अलविदा, जय हिंद।